सो हे गाइस एंड वेलकम बैक। और इतने समय के बाद वापस एक वीडियो में मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल प्रॉमिस किया था कि मैं जब रात को जाऊँगा तो मैं कैप्चर करूँगा, बट मैं गया था ज़रूर, लास्ट लास्ट में गया था। मैं क्लिप मैंने ऐड कर दी होगी आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ की, बट वहाँ शोर इतना ज़्यादा था और मैं फिर काफ़ी ज़्यादा थक गया, आते आते काफ़ी लेट हो गया था, इस वजह से मैं कुछ ज़्यादा ब्लॉग मैंने किया नहीं। और अभी जो लोकेशन देखो ना, जंगल में कहाँ गया, ये मैं आया हूँ, एक बहुत ही अच्छा कैफ़े है यहाँ पे, एंड इस कैफ़े का नाम जो है वो गार्डन व्यू कैफ़े है। ये मैं आपको उसको अंदर से और अभी दिखाता हूँ जाके, बट ये काफ़ी एक अच्छा कैफ़े है। मतलब ये पूरा से जंगल, मतलब जंगल का ही जितने भी पेड़ वेड़ हैं इसके बीच में इसने बना रखा है, नीचे एकदम सिटिंग सिंपल, बहुत बढ़िया कैफ़े है ये वाला, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा ये। और बाकी मैं आपको यहाँ चल के और दिखाता हूँ, और आज प्रॉमिस कर दूँगा आज रात को मैं जब जाऊँगा तो पक्का कैप्चर करूँगा। तो देखो एंट्रेंस के बाद ये देखो कुछ ऐसी सिटिंग है यहाँ पर, तो लोग बैठे हैं, मैं थोड़ी प्राइवेसी उनकी करूँगा नहीं, पर ये देखो वड़ा सीन इसकी है, काफ़ी एक काफ़ी यूनिक सा है, यहाँ लोग काफ़ी बैठे तो मैं ज़्यादा उनको उनकी प्राइवेसी को ख़राब नहीं करूँगा, बट देखो इस टाइप की पूरी यहाँ पे क्या वाइब है ना, गाने बज रहे हैं बढ़िया और कितना अच्छा यहाँ पे, मतलब पूरा माहौल है। तो बाकी थोड़ी देर बैठूंगा यहाँ, थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा, बाकी और कुछ भी क्लिप होगा या कुछ भी होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखा दूँगा, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज रात को जब मैं कहीं पर भी जाऊँगा तो मैं ज़रूर उसको कैप्चर करूँगा। तो टिल देन बाकी आप इन्जॉय करो। ये देखो पूरा ऐसे जंगलों में और ऐसे सेटिंग है, सिंपल क्या मस्त है ना, आराम से रिलैक्स करो, तुम नीचे भी बैठ सकते हो, अच्छी वाइब है, मस्ट विजिट प्लेस है, गार्डन व्यू कैफ़े है इसका नाम। तो ये इधर फाइनली आरंबोल बीच पर आ गया मैं, वो कैफ़े के एकदम पास में, और ये देखो ये काफ़ी सारे फॉरनर्स और भीड़ काफ़ी है इधर पर, देखो कितना अच्छा व्यू है, सनसेट भी होने वाला है, इंटरेस्टिंग है। चलो तो आ गए इधर पार्किंग में वापस, और काफी थक गया वापस, एक घंटे की ड्राइव है वहां से यहाँ पे, ये आरंबोल नहीं कौन सा, जो भी वेरांदा जो होटल है ना उसकी एक घंटे की ड्राइव थी अभी वहां से यहाँ तक, तो काफी थकान हो गई यार, पूरा दिन बाहर घूम लिया तो थक गए, और बस अभी हाथ पांव धोऊंगा चप्पलों पे, सब मिट्टी मिट्टी हो गई है बीच से, तो हाथ पांव धोएंगे थोड़ा रिलैक्स करूंगा बस, उसके बाद देखता हूँ शाम को कहीं जाऊँ, तो यही है बस, वही ह्यूमिडिटी वगैरह तो काफ़ी हो ही रखी है इधर, तो चलो बाकी आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। नेक्स्ट डे तो जी गुड मॉर्निंग गाइस, और कल थलासा गया हुआ था तो वहाँ से रात को वैसे ही लेट ही फ्री हुआ, और वहाँ पे फिर इतना शोर शराबा, वही मैंने जितना दिखाया वही है, ज़्यादा व्लॉग व्लॉग तो कर पाते नहीं उधर। और अभी देखो मैं आया हुआ हूँ तो पारा रोड है जिसमें ये पेड़ वेड़ है ना दोनों तरफ, ये कोकोनट वाले, एक तो इस रोड पर इतना ट्रैफिक हो रखा है ना, तो मतलब जो भी देखो फोटोज़ क्लिक कर ही नहीं पा रहे, पर ये अच्छा है, ये डियर जिंदगी मूवी, और यहाँ पे काफ़ी सारी और भी शूटिंग वूटिंग हो रखी है, तो यहाँ आया हुए थे। तो बस आज का प्लान तो थोड़ा सा है कि साउथ गोवा साइड जाने का, तो बाकी देखो अभी निकल रहे हैं, कुछ खाऊंगे, खाने पीने का सोच रहा हूँ कुछ पहले, उसके बाद निकलेंगे, गाड़ी मैंने पहले ए सी चला कर छोड़ा हुआ था, इतनी गर्मी हो रखी है ना यहाँ पे, तो चलो बाकी आगे देखते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। देखो ऐसा कुछ कॉटेज है, इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखो यहाँ पे ओपन वॉशरूम है,